एनडीए सरकार द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार घोषित किया गया है। आइए जानें कौन है द्रौपदी मुर्मू। इनका जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा मयूरभंज में हुआ। झारखंड के नवे राज्यपाल के रूप में 2015 से 2021 तक कार्य किया। ये प्रथम महिला राज्यपाल झारखंड में रही और देश की बात करें तो देश में पहली आदिवासी महिला राज्यपाल के रूप में। यह 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर जिला पार्षद के रूप में चुनी गई और ठीक उसी वर्ष रायरंगपुर के उपाध्यक्ष बनी। 2000 के विधानसभा चुनाव में वह रायरंगपुर के चुनाव चुनी गई और 2002 तक परिवहन और वाणिज्य विभाग स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उड़ीसा सरकार ने उन्हें 2002 में मछली और पशुधन के पोर्टफोलियो से सम्मानित किया। उन्होंने 2004 तक इस पद पर कार्य किया। इन्हें 2002 से 2009 तक मयूरभंज जिले के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2004 में वह रायरंगपुर के विधायक चुनी गई और 2009 तक इन्होंने सेवा किया। यह दूसरी बार विधायक बनी थी। नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए 2007 में इनको पुरस्कार मिला है। और यह गौरतलब है कि अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू विजेता होती हैं तो वे भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी, यानी सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी।